नमस्कार, दैनिक थोक मूल्य विवरणमा तपाईलाई स्वागत छ। दैनिक थोक मूल्य विवरणको साथमा उपस्थित भएको छु म राजाराम डंगल। तपाईं तरकारी तथा फलफूलको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान 9 बजेको समाचारपछि र बेलुका 6 बजेको समाचारपछि कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज र अनलाइन www.krishiradio.yz.np को साथै मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी तादिङको दुनिबिसी छ धारकेमा रहेको तरकारी बजार र काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेको थोक मूल्य विवरण प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। अब भने सुरु गरौँ धादिङको धारकेमा रहेको तरकारी बजारको आजको थोक मूल्य विवरणबाट। गोलभेडा प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, सिमी लोकल प्रति किलो 10-15 रुपियाँसम्म, सिमी हाइब्रिड प्रति किलो 15-20 रुपियाँसम्म, किरौला प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, मकै बडी प्रति किलो 25-30 रुपियाँसम्म, तने बडी प्रति किलो 15-20 रुपियाँसम्म, लिची प्रति किलो 55-60 रुपियाँसम्म, अदुवा मोटो प्रति किलो 60-65 रुपियाँसम्म, अदुवा पातलो प्रति किलो 45-50 रुपियाँसम्म, पिरो खुर्सानी कालो प्रति किलो 55-60 रुपियाँसम्म, अकबरे खुर्सानी प्रति किलो 150-180 रुपियाँसम्म, माछे खुर्सानी प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, भन्टा प्रति किलो 13-17 रुपियाँसम्म, काँक्रो प्रति किलो 10-12 रुपियाँसम्म, धनियाँ प्रति किलो 10-15 रुपियाँसम्म रहेको छ। धारकेको थोक मूल्य विवरणपछि अब भने पालो भएको छ काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणको। ठुलो गोलभेडा भारतीय प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, सानो गोलभेडा लोकल प्रति किलो 40-45 रुपियाँसम्म, सानो गोलभेडा टडेल प्रति किलो 60-65 रुपियाँसम्म, रातो आलु भारतीय प्रति किलो 30-32 रुपियाँसम्म, रातो आलु मुढी प्रति किलो 45-48 रुपियाँसम्म, सेतो आलु प्रति किलो 30-32 रुपियाँसम्म, सुकेको प्याज भारतीय प्रति किलो 50-55 रुपियाँसम्म, गाजर लोकल प्रति किलो 95-100 रुपियाँसम्म, बन्दा लोकल प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, स्थानीय काउली प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, सेतो मुला लोकल प्रति किलो 12-16 रुपियाँसम्म, सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो 12-16 रुपियाँसम्म, लाम्सो भन्टा प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, डल्लो भन्टा प्रति किलो 40-45 रुपियाँसम्म, तने बडी प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, घिउसिमी लोकल प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, घिउसिमी हाइब्रिड प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, टाटे सिमी प्रति किलो 140-150 रुपियाँसम्म, भटमास प्रति किलो 100-110 रुपियाँसम्म, तिते करेला प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, परवल लोकल प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, परवल तराई प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, चिचिन्डो प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, घिरौला प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, झिगुनी प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, पाकेको फर्सी प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो 30-40 रुपियाँसम्म, भेँडी प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, सखरखण्ड प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, इस्कुस प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 35-40 रुपियाँसम्म, पालुको साग प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, चम्सुरको साग प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, तोरीको साग प्रति किलो 30-40 रुपियाँसम्म, प्याज हरियो प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, च्याउकन्या प्रति किलो 200-220 रुपियाँसम्म, च्याउ डल्ले प्रति किलो 250-270 रुपियाँसम्म, कुरिलो प्रति किलो 450-500 रुपियाँसम्म, न्युरो प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, ब्रोकाउले प्रति किलो 140-150 रुपियाँसम्म, चुकुन्दर प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, बन्दा रातो प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, जिरीको साग प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, गाँठगोपी प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, सुको साग प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, पुदिना प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, घाँटे मुला प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, इमली प्रति किलो 140-150 रुपियाँसम्म, तामा प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, तोफु प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, स्याउ झोले प्रति किलो 250-280 रुपियाँसम्म, केरा दर्जन 100-110 रुपियाँसम्म, कागती प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, अनार प्रति किलो 280-300 रुपियाँसम्म, आँप मालदह प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, आँप सदही प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, आँप कलकत्ते प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म,
तरबुज हरियो प्रति किलो 25 देखि 30 रुपियाँसम्म, मौसम प्रति किलो 200 देखि 220 रुपियाँसम्म, भुइँ कटर प्रति ओटा 140 देखि 150 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 15 देखि 20 रुपियाँसम्म, रुख कटर प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, मेवा भारतीय प्रति किलो 100 देखि 110 रुपियाँसम्म, लिची लोकल प्रति किलो 120 देखि 150 रुपियाँसम्म, लिची भारतीय प्रति किलो 200 देखि 250 रुपियाँसम्म, अदुवा प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, सुकेको खुर्सानी प्रति किलो 300 देखि 320 रुपियाँसम्म, हरियो खुर्सानी प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो माछे प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रति किलो 100 देखि 110 रुपियाँसम्म, भेडे खुर्सानी प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, हरियो लसुन प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, हरियो धनियाँ प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, सुकेको लसुन प्रति किलो 180 देखि 190 रुपियाँसम्म, सुकेको लसुन नेपाली प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, सुकेको छ्यापी प्रति किलो 160 देखि 180 रुपियाँसम्म, ताजा माछा रोहु प्रति किलो 270 देखि 280 रुपियाँसम्म, ताजा माछा बछुवा प्रति किलो 225 देखि 235 रुपियाँसम्म, ताजा माछा छडी प्रति किलो 200 देखि 220 रुपियाँसम्म, ताजा माछा मङ्गुरी प्रति किलो 260 देखि 270 रुपियाँसम्म रहेको छ। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणसँगै आजको थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डङ्गोल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।